हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ जाते हैं और ब्रीफ पढ़ते हैं अबाउट दी टाइप ऑफ बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने उसमें एक बॉन्ड पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सेकेंड जो हमने इम्पॉर्टेंट बॉन्ड पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उन कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, एंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड कहते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे थ्री टर्म्स लिखी है ताकि हम थ्री टर्म्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो देखो बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ले ले। सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, अगर ए कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बी कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस केस में क्या बनेगा बच्चों? ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये ए एंड बी एक तरफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास ऑपोजिट चार्ज है, राइट? नाउ दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर और वो क्या बनाएंगे? एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। इस आयनिक कंपाउंड में क्या है? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, और इसमें ए जो है वो पॉजिटिव का है, बी जो है वो नेगेटिव का है, ठीक है। तो ये होता है आयनिक बॉन्ड, जिससे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली लूजिंग एंड गेनिंग से। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड जो है कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, जिनके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो दो रिएक्टेंट्स है, सपोज ए एंड बी, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ए अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है तो बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। अगर एक अपना टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है तो बी भी अपना टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। इस तरीके से ये ए एंड बी आपस में क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जो इलेक्ट्रॉन है ए का है और जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है बी का है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा कलर डिफ्रेंशिएट। सो स्टूडेंट सी, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन ए का है वो तो उसके पास में है ही, साथ में जो बी ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बॉन्ड बनाने का, तो टोटल इस ए के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि उसको शेयरिंग से मिल गया है बी से, ठीक है। अब बी के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है, और ए ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया है बी को, तो बी के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन टू हो गए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। पहले एक ही था, अब कितने हो गए? दो। ए के पास भी कितने थे पहले? एक, अब कितने हो गए हैं? दो। तो इनमें क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ए जितना शेयर करता है उतना का उतना बी शेयर करता है। यहाँ पे टोटल डोनेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है बच्चों, पूरा देना लेना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग होती है और वो शेयरिंग भी कैसी होती है? म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब इक्वल शेयरिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। इसका एक और नाम है बच्चों, इसको डेटिव बॉन्ड्स भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, ठीक है। काफ़ी जगह पे डेटिव बॉन्ड के नाम से होता है। तो देखिए, अब डेटिव बॉन्ड जिसके अंदर होंगे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि टाइटल है हमारे चैप्टर का। इसमें क्या होता है बच्चों? एक जो कंपाउंड होता है या फिर एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। ए के पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, बी को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ए क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा बी को, पर रिटर्न में बी इसको कुछ भी शेयरिंग में नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? डेटिव बॉन्ड की हम बात करें तो सिंपल वर्ड में ये वन साइडेड शेयरिंग है, वन साइडेड शेयरिंग। बच्चों, इसमें देखो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता बी को तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, बी पे नेगेटिव, फिर तो कौन सी कैटेगरी में आ जाता? आयनिक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डोनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, लेकिन वन साइडेड, म्यूचुअल ना होके ये वन साइडेड शेयरिंग है। और इसमें क्या होता है? फर्स्ट वाले में कंप्लीट
लूजिंग प्लस गेनिंग होती है इसके अंदर कंप्लीट, ठीक है, देना लेना होता है इसमें, म्यूचुअल शेयरिंग, इसमें वन साइडेड शेयरिंग, ठीक है बच्चों। तो जब कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देता है किसी दूसरे एटम को या एलिमेंट्स को, तो उसके थ्रू कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, और इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वन साइडेड शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जब भी ये बॉन्ड यूज़ करेंगे बच्चों, हम ऐसा एरो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, डोनर स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक है, या शेयरिंग में दे रही है, यहाँ पे एक्सेप्टर स्पीसीज जो शेयरिंग में ले रही है, ठीक है, इन रिटर्न ये कुछ भी नहीं देते, इसलिए हमने वन साइडेड एरो बनाया है। तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे दिखाएंगे, एरो की हेल्प से दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो लेट गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। जो फर्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड, ठीक है, हम इसको मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं या फिर एडिशन भी बोल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी, मॉलिक्यूल या एडिशन कंपाउंड होता क्या है, जब आप टू या फिर मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, आप सॉल्यूशन बनाते हैं, आप सॉल्यूशन बनाते हैं किसका, व्हेन वी मेक सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, टू या टू से ज़्यादा आप स्टेबल कंपाउंड का मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको इवापोरेट करते हैं। अगर आप इवापोरेट करते हैं तो आपको एक न्यू क्रिस्टल्स मिलते हैं, ये जो न्यू क्रिस्टल्स होते हैं, न्यू सब्सटेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल या फिर एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं टू या फिर मोर कंपाउंड्स, वो भी कैसे होंगे, स्टेबल कंपाउंड्स, है ना, उनको जब हम ऐड करते हैं और किसके फॉर्म में ले आते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में, मतलब इनका हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं टू या मोर कंपाउंड का, ठीक है, और फाइनली इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इवापोरेट करेंगे, इतना इवापोरेट करें कि हमें न्यू क्रिस्टल्स मिल जाएँ। तो इन क्रिस्टल्स को, न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो समझ में आ गया है कि डेफिनेशन की, आपको टू या टू से ज़्यादा कंपाउंड्स को सॉल्यूशन फॉर्म में लाना है और फिर उसको इवापोरेट करना है, ठीक है, या फिर उसको सॉल्यूशन बनाना है, उसको इवापोरेट करना है, और हमको जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो एडिशनल कंपाउंड है, ठीक है। अब हम इसके पढ़ते हैं टाइप्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे वाइवा में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, जो टाइप्स है उसमें फर्स्ट टाइप है वो है डबल सॉल्ट। फर्स्ट टाइप क्या है, डबल सॉल्ट, ठीक है, इसको लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं, इसको लैटिस कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, वी कैन सी देम एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, तो बच्चों उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम कहते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी एडिशन कंपाउंड है, ये भी एडिशन कंपाउंड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये देखिए। देखो बच्चों, फर्स्ट जो डबल सॉल्ट होते हैं उनकी क्या कैपेसिटी होती है बच्चों, ये सॉलिड में तो स्टेबल होते हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड में जब ये होंगे कंपाउंड्स तब तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। स्टेबल होने का मतलब ये आयनिक फॉर्म में ही होंगे अपने, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होंगे अपने, ठीक है, तो ये स्टेबल होंगे। लेकिन जब इनको सॉल्यूशन में ले आते हैं, जब हम इनको सॉल्यूशन में ले आते हैं, तो बच्चे ये अपने आयन्स में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयन्स के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड में तो नॉर्मली ही है, स्टेबल है, लेकिन सॉल्यूशन में आ गए हैं तो डिसोसिएट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे सॉल्यूशन स्टेट में हो, ये डिसोसिएट नहीं होते, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं डबल सॉल्ट का एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट में होता है Fe(SO4)NH4 होल ट्वाइस SO4
0.6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बच्चों अब जब ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको वाटर में ऐड कर दिया, सॉल्यूशन का बना दिया, तो बच्चों ये एफी अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Fe2+, ठीक है। एफी अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Fe2+, SO4 अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ SO4-2-, ये अमोनिया अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NH4+, ठीक है। SO4 तो डिसोसिएट होएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें जो जो आयंस प्रेजेंट है वो सब वो सॉल्यूशन स्टेट में क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। ये भी क्या है, ये भी है एडिशनल कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को जब मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में लाते हैं, उसको इवापोरेट करते हैं, जो न्यू क्रिस्टल्स मिलते हैं वो डबल सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डबल सॉल्ट हमको कब बोलेंगे, जब उनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वो अपने सारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम, ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट या फिर लैटिस कंपाउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, सपोज हमारे पास में कॉपर एंड अमोनिया होल फो इन ब्रैकेट और पावर आ जाएगा +2 का। देखो बच्चों ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। जब आप इसको सॉलिड स्टेट में देखेंगे तब भी ये इसी स्टेट में मिलेगा, आप इसको लिक्विड स्टेट में देखेंगे मतलब सॉल्यूशन में इसको फॉर्म कर देंगे, इसको डिसॉल्व कर देंगे किसी भी सॉल्वेंट में, तो भी बच्चों ये इसी स्टेट में रहेगा, ये आयनाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कॉपर अलग हो गया और NH3 अलग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहता है, आयनाइज नहीं होता है। तो डबल सॉल्ट क्या है, ये एडिशनल कंपाउंड है बट ये आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये भी एडिशनल कंपाउंड है बट ये आयनाइज नहीं होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। तो अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयन, कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो बच्चों जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, जो किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है एक सेंट्रल मेटल का। ये जो मेटल है ये एटम भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल, ये जो मेटल है ये एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब ये जो सेंट्रल मेटल है ये बच्चों सराउंड होता है, ये सराउंड होता है बाय ग्रुप। अब जो जिस ग्रुप से ये सराउंड है वो ग्रुप क्या हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती है, या फिर बोथ भी हो सकते हैं, मतलब उसमें आयन्स और न्यूट्रल स्पीसीज दोनों हो सकती है, या फिर सिर्फ आयन हो सकते हैं या फिर सिर्फ न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है। और कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे आयन वर्ड दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। अब देखिए अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में आएगा मेटल, यहाँ पे हम लिखेंगे लिगेंड्स, यहाँ पे आएगा एन वैल्यू, और यहाँ पे अपने पास प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है। देखिए बच्चों अब यहाँ पे ये जो बीच में हमने एम लिखा है, ये एम क्या है हमारे पास में, ये एम है हमारे पास में सेंट्रल मेटल, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, ये जो एल है, ये जो सराउंडिंग ग्रुप लिखा है मैंने वो है, ठीक है। ये क्या है, ये सराउंडिंग ग्रुप है, और इस सराउंडिंग ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। ये लिगेंड्स हैं। अब यहाँ पे एन क्या है, एन नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड जो एम को सराउंड कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल को कितने लिगेंड सराउंड कर रहे हैं, वो एन वैल्यू यहाँ पे आएगी, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स को होने को सिंपल अगर एक टर्म में बोलेंगे तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये जो ब्रैकेट हमने यूज़ किया है बार, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ही सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो चुकी है हमारे पास में, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि यहाँ पे जो एम है ये सेंट्रल मेटल है,
ठीक है, सेंट्रल मेटल जो है मैंने बता दिया आपको, ये एटम भी हो सकता है मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, इसको सराउंड करता है, जिसको सराउंडिंग जो एलिमेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं, इसको जो सराउंड करने वाला एलिमेंट या ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, हमने जो फॉर्मूले में नीचे एन लिखा है इसका क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब इस मेटल को कितने लिगेंड सराउंड करते हैं, तो एन नंबर ऑफ लिगेंड सराउंड करते हैं। और इसको सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड को सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये एक टर्म है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स विच सराउंड ए सेंट्रल मेटल। ठीक है, उसके बाद में ये जो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो बच्चों इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ध्यान से सुनना, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कुछ भी है वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे हमने उसको डिसॉल्व कर दिया हो किसी के अंदर, कभी भी ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो जो भी स्फीयर के अंदर है वो कभी भी आयनिक फॉर्म में टूटेगा नहीं, जब हम उनको डिसॉल्व करेंगे नहीं टूटेगा। ठीक है ना, ये तो हमने डिफरेंस देखा था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये कभी नहीं, इनके बाहर अगर कुछ है, इनके बाहर अगर कुछ है ब्रैकेट के बाहर, तो वो टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर वाला कभी भी आयनाइज नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, इनको डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है, जैसे कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी दे रखी है इसको, सपोज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, एंड थर्ड कैटेगरी दे रखी है इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का आयन का मतलब है जब इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज ना हो, यहाँ पे तो मैंने प्लस माइनस लिखा है, मतलब कुछ भी यहाँ पे चार्ज हो सकता है, चलो यहाँ चार्ज लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी चार्ज हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, नो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, निकल CO, अब देखिए बच्चों, अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम देखें तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देती हूँ तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। चलो अब कैटायनिक का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कैटायनिक देखेंगे मतलब उस कॉम्प्लेक्स पे क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं हम, देखिए सपोज कॉपर NH3 4। ठीक है, और यहाँ पे टू पॉजिटिव, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कैटायनिक हो गया। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एनायनिक। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल PtCl6 ब्रैकेट क्लोज, और आप मान लीजिए कि इसके ऊपर सपोज 2 माइनस चार्ज है, तो वो जो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, और कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। तो हमने कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब समझ लिया है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है जिसके में सेंट्रल मेटल होता है, उसको सराउंड करते हैं लिगेंड्स। ठीक है, और हमने पूरा फॉर्मूला बता रखा है। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक। अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब हम चलते हैं और भी टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तभी इस चैप्टर को हम समझ पाएंगे। सो लेट्स सी द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसमें, तो वो है सेंट्रल मेटल। तो ये सेंट्रल मेटल क्या होता है, सेंट्रल मेटल जो होता है वो न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, इट मे बी एटम और इट मे बी आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स में सेंटर में होता है, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स में कहाँ होता है, सेंटर में। तो वर्ड इटसेल्फ डिराइव कर रहा है सेंट्रल मेटल, मतलब कॉम्प्लेक्स में सेंटर में होता है। और ये कैसा हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर आयनिक भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप जानते हो कि इसके अंदर सेंट्रल मेटल में क्या होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मेटल क्या करता है, मेटल करता है एक्सेप्ट करता है
इलेक्ट्रॉन अब किससे एक्सेप्ट करता है, ये लिगेंड से एक्सेप्ट करता है, इसके आसपास जो लिगेंड्स थे उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ए लुईस एसिड, इट इज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लुईस एसिड। तो सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट मे बी एटम और आयन, इट ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इन सम केसेज इट मे डोनेट बट मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, लुईस एसिड, ठीक है। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल सी टर्म थी, अब हम सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं जो है लिगेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हमने सेंट्रल मेटल में देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इनको इलेक्ट्रॉन देता कौन है, इनको इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल को सराउंड करते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास में ये मेटल है तो इसके आसपास में क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, है ना, हमने फॉर्मूला तो भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है। मान लीजिए चार लिगेंड्स हैं, फोर लिगेंड्स हैं, तो इस तरह से अरेंज्ड है ना। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स सराउंड करते हैं, सराउंड टू मेटल, ये सेंट्रल मेटल को सराउंड करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस, ये क्या है, लुईस बेस है, ठीक है। अब जो बच्चों ये लिगेंड्स हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, दे मे बी न्यूट्रल, दे मे बी एनायनिक, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी में आते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, ये मेटल के साथ में जो लीगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हम जान चुके वन साइडेड एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब मैंने एरो मेटल की तरफ इसलिए कर रखा है क्योंकि लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट शेयर करता है इस सेंट्रल मेटल को, इस वजह से मैंने यहाँ पे दिखाया है कि लीगेंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल बाय डेटिव बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गई लिगेंड की बात। अब बच्चों कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ते हैं। देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लिगेंड के लिए, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया है, फॉस्फीन हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लिगेंड की तरह यूज़ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स, फिर हम इसके आगे और स्टडी करेंगे। सी स्टूडेंट, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मोनोडेंटेंट या फिर यूनिडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। अब ये जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है किसकी बेसिस पे डिवाइड की गई है, डिपेंड करती है ऑन द डोनर साइट, कितनी डोनर साइट है उसके बेसिस पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे यूनि लिखा हुआ है मतलब एक डोनर साइट होगी, राइट, और डेंटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जॉ, टीथ, टूथ, ठीक है। तो इसमें एक डोनर साइट है, ठीक है, डेंटेट एक डिराइव्ड वर्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जॉ, ठीक है। तो इसमें वन साइडेड या फिर एक डोनर साइट है, तो मोनो का मतलब होता है वन एंड डेंटेंट मतलब साइट, तो इसमें कितनी साइट होती है, वन डोनर साइट होती है, या फिर वन डोनर एटम भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख रही हूँ, वन डोनर साइट। तो ऐसे लिगेंड्स, लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर साइट्स आर कॉल्ड मोनो या फिर यूनिडेंटेंट लिगेंड। देख लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, हम जितने भी हैलोजन हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जितने भी हैलोजन हैं, क्योंकि हैलोजन अकेला एटम है तो ये ही होगा डोनर, बट ऑब्वियस अब इसके पास कोई दूसरा तो है ही ना, तो ये अकेला एक्ट करेगा डोनर की तरह, और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये डोनर स्पीसीज भी है। उसके बाद में देखिए वाटर H2O, अब वाटर के अंदर हम देख सकते हैं बच्चों कि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, पर लोन पेयर किसके पास में है, लोन पेयर जो है वो वाटर के पास में है, तो यहाँ पे डोनर स्पीसीज कौन है, यहाँ पे जो डोनर स्पीसीज है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम NH3, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो देख लीजिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, पर लोन पेयर किसके पास में है, नाइट्रोजन के पास में, तो डोनर स्पीसीज कौन सी होगी, नाइट्रोजन, सिर्फ एक ही डोनर स्पीसीज है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज OH
माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए बच्चों, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्लस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो कौन डोनर स्पीसीज होगी यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो बच्चों इस तरीके से जो सिंगल एटम्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल स्पीसीज जिसके ऊपर लोन पेयर है, ये सब क्या करते हैं? ये सब लीगेंड का काम करते हैं। और अगर इन सब के पास अगर एक ही डोनर साइट है तो ये कौन से लीगेंड्स होंगे? मोनोडेंटेंट या फिर यूनिडेंटेंट लीगेंड, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम इसी कैटेगरी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बाईडेंटेंट लिगेंड। बाई मतलब टू, बाईडेंटेंट का मतलब क्या होता है? टू, और डेंटेंट मतलब साइट्स। तो यहाँ पे कितनी, इस लिगेंड में कितनी डोनर साइट्स होगी? दिस लिगेंड विल हैव टू डोनर साइट। एक ही लिगेंड के अंदर टू डोनर साइट्स होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इथाइलिन डायअमीन का, क्योंकि ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में इथाइलिन डायअमीन, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथाइलिन डायअमीन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे वर्क करते हैं बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई एन से, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अगर ई एन दे रखा है, लिगेंड की जगह ई एन लिखा हुआ है, तो ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है वहाँ पे, सिर्फ ई एन लिखा है। ई एन का मतलब होता है इथाइलिन डायअमीन। अब देखो बच्चों, इसमें दो डोनर साइट है, कैसे? देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूँ तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं? दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ में, ठीक है। तो इसमें दो डोनर साइट है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ ऑक्सलेट आयन। देखिए सी ओ ओ नेगेटिव। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या काम करेंगे? दिस बोथ विल एक्ट एज अ डोनर साइट। तो यहाँ पे भी एक ही एटम के अंदर दो डोनर साइट है, तो हम इसका नाम भी लिख देते हैं। नाम है ऑक्सलेट, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ एक्स से, ठीक है। उसके बाद में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, उसका कार्बोनेट ले लेते हैं। देखिए कार्बोनेट में क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। अब देखो बच्चों ये कार्बोनेट है, ठीक है। इस कार्बोनेट में देखिए एक ये डोनर साइट है, एक ये डोनर साइट है, तो इसमें भी दो डोनर साइट्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। तो बच्चों देखो इसका फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कार्बोनेट। अब जो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि 1,10-फिनाथ्रोलिन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जैसे डायमिथाइल ग्लायोक्सिम DMG, ठीक है, एसिटाइल एसीटोन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जिन भी एग्जाम्पल्स में आपको टू डोनर साइट्स दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाईडेंटेंट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। एक दो के मैं एग्जाम्पल के डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देती हूँ ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आपको आइडिया रहे। अभी मैं बना रही हूँ 1,10-फिनाथ्रोलिन का। इसमें 3 बेंजीन रिंग्स जो होती है वो फ्यूज्ड होती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो ये दो डोनर साइट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1,10-फिनाथ्रोलिन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं SPHEN, ठीक है। एक को लेते हैं ग्लाइसिनेटो का एग्जांपल भी लेते हैं। देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? CH2NH2COO नेगेटिव। अब देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस पर नेगेटिव है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो एक ही एटम के अंदर दो है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY से। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाईडेंटेंट लिगेंड के, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों? कैटेगराइज कर रखा है बाईडेंटेन लिगेंड को भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के अंदर। इनको भी किस में कैटेगराइज कर रखा है? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है। देखिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अगर दोनों डोनर साइट एक जैसी है,
अगर जो डोनर साइट्स हैं वो एक जैसी है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटन लिगेंड। अगर डोनर साइट डिफरेंट है, अगर डोनर साइट्स डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। जैसे अगर हम इनमें कैटेगराइज करें जो एग्जांपल है, तो देखिए ये है सिमेट्रिकल क्योंकि इसमें दोनों डोनर साइट सेम है, ये भी सिमेट्रिकल सेम है, ये भी सिमेट्रिकल सेम है, और ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल क्योंकि सेम है। बट यहाँ पे देखिए तो एक तो NH2 डोनर साइट है और एक COO नेगेटिव में ऑक्सीजन डोनर साइट है, दोनों ही अलग अलग है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो डोनर साइट अगर दोनों सेम हैं तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटन लिगेंड, और अगर वेरी कर रही है और चेंज है तो उसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटन लिगेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है मोनो और बाय। अब हम चलते हैं ट्राई की तरफ। नाउ लेट्स सी अबाउट दी ट्राई डेंटन लिगेंड। बच्चों ट्राई वर्ड मीन्स थ्री, डेंटन मतलब साइट्स, तो इसमें कितनी साइट्स होती है, थ्री डोनर साइट्स होती है। ठीक है, जो ऐसे लिगेंड जिसमें थ्री डोनर साइट्स हो उसको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेंट लिगेंड। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाई इथाइलिन ट्राइअमीन ले लेते हैं हम। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, देन CH2 अगेन यहाँ पे CH2 एंड दिस CH2 इज अगेन बॉन्डेड टू CH2 एंड देन दिस कार्बन आर बॉन्डेड टू NH2। आई एम राइटिंग H2 अबाउ द नाइट्रोजन, ओके, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर कन्वीनियंट। नाउ स्टूडेंट सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, इस पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, तो ये तीनों ही देने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख ली थ्री डोनर साइट है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइडेंटन लिगेंड। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइएथाइलीन ट्राइअमीन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डाई इन से। ठीक है, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रालो एसीटेट। तो देखो बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, उससे तीन एसीटेट जुड़े हुए होते हैं, देखो CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव एंड देन लेट मेक वन मोर CH2 COO नेगेटिव। देखा बच्चा, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें कितने डोनर साइट्स हैं देख लेते हैं, 1 2 3, थ्री डोनर साइट्स तो यही है। ठीक है, अब हम एक और देखें तो यहाँ पे देख लीजिए ये चौथी डोनर साइट है, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है। तो बच्चों ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास किसका है, टेट्राडेंटेट का है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी डोनर साइट है, चार, तो ये हो जाएगा किसका एग्जाम्पल, टेट्रा डेंटेंट। तो बच्चों जितने ज़्यादा साइट्स होगी, जितनी नंबर ऑफ साइट्स होगी उसके हिसाब से आप यहाँ वर्ड लगा सकते हैं, पीछे आपको डेंटेंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि चार डोनर साइट है तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा डेंटेंट। ठीक है बच्चों, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट कैटेगरी, वो है पॉलीडेंटेंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो हम जितने भी लिगेंड्स की डोनर साइट है उसके बेसिस पे मोनो डाई ट्राई टेट्रा, जैसे हमने टेट्रा तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, ऐसे पेंटा भी होता है और फिर ऐसे हेक्सा भी होता है। तो हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा तीन या तीन से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हम पॉलीडेंटेंट लिगेंड की कैटेगरी में डाल देते हैं। सो लेट्स सी अबाउट दी पॉलीडेंटेंट लिगेंड। देखो बच्चों पॉलीडेंटेंट के अंदर क्या होता है, मोर देन थ्री, जनरली हम मोर देन थ्री वाली कैटेगरी को पॉलीडेंटेंट में लिया जाता है। तो उसमें मोर डोनर साइट्स होती है, बहुत सारी डोनर साइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, जो सबसे कॉमन पूछा जाता है वो है EDTA। एक एग्जांपल है EDTA, EDTA का मतलब होता है इथाइलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, और अगर इस एसिटिक एसिड से एच पॉजिटिव निकल जाता है, क्योंकि एसिड है, तो ये क्या बना देता है, एसिटेट आयन, टेट्रा एसिटेट आयन। ठीक है, अब इसका देखो स्ट्रक्चर बताती हूँ बच्चों आपको, CH2 देन N फिर अगेन CH2 क्या CH2 CH2 एन एन CH2 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 एंड CH2, इस CH2 से जुड़ा होगा
सी ओ ओ नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव एसीटेट आयन है ना, इसलिए अगर एसीटिक एसिड होता तो मैं यहाँ एच लगा देती, बट क्योंकि एसीटेट आयन है तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, फिर सी ओ ओ माइनस। अब देखो बच्चों उसमें कितनी डोनर साइट है, एक ये डोनर साइट, सेकेंड नंबर डोनर साइट, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और कुछ है क्या यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे ये दो डोनर साइट्स और है, तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, सिक्स डोनर साइट है। तो अगर मैं इसको पॉलीडेंटेट नाम ना दूं तो मैं इसमें ये भी लिख सकती हूँ कि कितना डेंटेंट है, हेक्साडेंटेन लिगेंट है। तो EDT ये कौन सा डेंटेंट लिगेंट है, ये हेक्साडेंटेन लिगेंट है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंट, एम्बिडेंट लिगेंट। देखिए बच्चों जो एम्बिडेंट लिगेंट है इनके अंदर टू या टू से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है, इट मीन्स दे हैव टू और मोर डोनर साइट्स। मैं सिंपल वर्ड में लिखती हूँ, टू और मोर डोनर साइट्स होती है, टू भी हो सकता है, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी, ठीक है, डोनर साइट्स इनके पास में ज़्यादा होती है, बट एट अ टाइम ये सिर्फ एक डोनर साइट यूज़ करते हैं। इट मीन्स दे हैव टू और मोर डोनर साइट, बट वेन दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स दे वी यूज ओनली वन डोनर एटम, ठीक है, बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दे यूज वन डोनर एटम। इसका मतलब इसके पास ज़्यादा भी हो पर ये एक एटम से ही डोनेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए बच्चा यहाँ पे हमारे पास में है एग्जांपल NO2, ठीक है, ये NO2 के पास में देखो डोनर साइट NB है, इसके पास दो डोनर साइट है, NB डोनर साइट है क्योंकि लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन भी डोनर साइट है क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर नाइट्रोजन डोनर साइट की तरह काम कर सकता है एट टाइम, तो इस केस में हम इस लिगेंड को बोलेंगे नाइट्रो, ठीक है। ये हो सकता है कि ऑक्सीजन वर्क करे एज ए डोनर साइट, तो ये हो जाएगा ONO, ठीक है, और इस केस में हम इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन वर्क कर रहा है एज ए लिगेंट, सॉरी डोनर साइट, और यहाँ पे ऑक्सीजन वर्क कर रहा है एज ए डोनर साइट, है तो दोनों ही ये NO2, लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीजन यूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए सपोज हमारे पास CN है, ठीक है, SCN ग्रुप, साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए बच्चों यहाँ पे कार्बन भी डोनर की तरह काम करता है और नाइट्रोजन भी डोनर की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर मेटल को ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस केस में हम CN को बोलते हैं साइनो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मेटल को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इंस्टेड ऑफ कार्बन, ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों की है, लेकिन एक टाइम पे एक ही कर रहा है, इसको हम बोलते हैं आइसो साइनो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं SCN का, ठीक है। अब देख लीजिए बच्चा इसमें जो है एस भी डोनेट की तरह काम करता है और एन भी, तो अगर मेटल को एस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एस अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनाइड, इस लिगेंड को हम बोलेंगे थायोसाइनाइड, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। तो समझ रहे हैं बच्चे आप कि इसमें दो डोनर साइट्स हैं सबके अंदर, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी इस लिगेंट के अंदर, जो है कीलेटिंग लिगेंट। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी द कीलेटिंग लिगेंट। स्टूडेंट्स दिस कीलेट वर्ड केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज केले, सॉरी विच इज केले, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स दिस केलेटिंग वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज केले एंड इट्स मीन्स क्लॉ। इसका मतलब क्या होता है, क्लॉ, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, केलेटिंग लिगेंट में टू और मोर डोनर साइट्स जो होती है लिगेंट्स की, टू एंड मोर डोनर साइट्स ऑफ लिगेंट्स,
कम से कम दो डोनर साइट तो होनी ही चाहिए, या फिर दो से ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात, ठीक है। टू या टू से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है लिगेंड की, वो फॉर्म करते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर विथ मेटल। क्या फॉर्म कर दे? रिंग लाइक स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दें ये विथ मेटल, ठीक है। तो उस केस में उस लिगेंड को हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनता है बाय साइक्लाइजेशन, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कीलेट, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कीलेट, जो कॉम्प्लेक्स इससे डिराइव होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम कीलेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अभी हमने देखा था इथाइलिन डाई अमीन का, ठीक है। तो सपोज हमारे पास में है कॉपर और यहाँ पे है ई एन ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन, इसमें टू डोनर साइट होती है, तो कॉपर तो आ जाएगा सेंटर में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी एच टू एन एच टू सी एच टू एन एच टू, ये हो गया एक इथाइलिन डाई अमीन। टू है तो हम दूसरा यहाँ बना देते हैं सी एच टू एन एच टू, और यहाँ लग देते हैं सी एच टू एन एच टू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये दो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे भी ये दोनों देंगे इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, देख रहे हैं। मैं बताऊँ तो कॉपर को मैं इस तरह से भी शो कर सकती हूँ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। तो ये जो लीगेंस हैं, इन लीगेंस को हम बोलते हैं कीलेटिंग लीगेंट, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं कीलेट, और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं कीलेटिंग इफेक्ट। तो एक्चुअल कीलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों? कीलेटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा कीलेटिंग रिंग्स बनेगी, जितना ज़्यादा रिंग्स बनेगा, कीलेटिंग रिंग्स बनेगा, उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल। तो बच्चों अगर रिंग्स बनती है तो उतनी ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स में दो रिंग बन रही है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में तीन रिंग बन रही है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसमें तीन रिंग बन रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिंग्स जितनी ज़्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कीलेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जब टू टू या मोर डोनर साइट्स होती है एंड दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर विथ मेटल, तो उसको हम बोलते हैं कीलेटिंग लीगेंट, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं कीलेट, ठीक है। और रिंग बनने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कीलेटिंग इफेक्ट, ठीक है बच्चों। सो दिस इज दी ऑल अबाउट कीलेट, कीलेटिंग लीगेंट्स, ठीक है। तो बच्चों अब हम दो और टर्म्स बाकी रह गई, उसको जल्दी से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम मेन चैप्टर की तरफ चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स आयन देख लिया है, लीगेंट को देख लिया है, ठीक है। अब हम जो थर्ड टर्म की तरफ जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत समझा दिया था इसके बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर सराउंडिंग और विच आर अटैच टू मेटल, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड अटैच्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, आपके पास में है ए जी सी एन टू, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कितने लिगेंड है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे टू लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? टू होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अपने पास में है एफ ई और हम ले लेते हैं ऑक्सलेट आयन सी टू ओ फोर थ्राइस और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं थ्री माइनस। अब बच्चों देखो इसके अंदर नीचे क्या दे रखा है? थ्री। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी थ्री होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो यूनिडेंटेड लिगेंड था, तो जितना यूनिडेंटेंट है तो ये क्या करेगा? एक ही डोनर साइट है इसके पास। अगर इसको एम्बीडेंटेंट की तरह भी हम काउंट करें तब भी एक टाइम पे एक से ही डोनेट करता है, तो टोटल मिला के इसके पास टू लिगेंड्स ही काउंट करेंगे हम, क्योंकि ये यूनिडेंटेंट का है। जब यूनिडेंटेंट होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसके बराबर ही होता है। तो देख लीजिए, अगर यूनिडेंटेंट लिगेंड है हमारे पास में, यूनिडेंटेंट लिगेंड है, तो इक्वल्स टू होगा कोऑर्डिनेशन नंबर के, ठीक है। लेकिन अगर यूनिडेंटेंट ना हो कि बाईडेंटेंट ट्राईडेंटेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होगा?
डेंटिसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। अब देखो यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, 3 लिगेंड्स हैं, ठीक है, और इनकी डेंटिसिटी कितनी होती है बच्चों, इस केस में 2 डेंटिसिटी होती है क्योंकि ऑक्सिलेट में 2 डोनर साइट्स होते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इस एफईसी कितने सराउंडेड है, 6 सराउंडेड है, 3 × 2 = 6, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 हैं और डेंटिसिटी कितनी है, 2, मतलब 2 डोनर साइट्स है। तो टोटल एफई को कितने लिगेंड सराउंड कर रहे हैं, 6 लिगेंड सराउंड कर रहे हैं। अब देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, PTCl6 और यहाँ लिख देते हैं 2-। अब यहाँ पे देखो ये यूनिडेंटेंट है, मोनोडेंटेंट है, तो मोनोडेंटेंट में तो जितने होते हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे 6 है, तो ये कितना होगा, 6, ठीक है बच्चों। तो बस आपको एक केस ध्यान रखना है, अगर वो पॉलीडेंटेंट है, मतलब बाईडेंटेंट, ट्राईडेंटेंट या टेट्राडेंटेंट या हेक्साडेंटेंट, उस केस में आपको नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इनटी डेंटिसिटी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा उस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल मतलब है कितने लिगेंड अटैच्ड है उस सेंट्रल मेटल से, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और हमको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे नीचे एन वैल्यू से, ठीक है। और अगर वो सपोज बाई या ट्राईडेंटेंट है तो आपको डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करेगा नंबर ऑफ लिगेंड्स को। नाउ स्टूडेंट्स, जो लास्ट टर्मोलॉजी है वो हम पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, ये स्पेयर है जो एंक्लोज करता है सेंट्रल मेटल एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स जो उसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेयर है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स विच सराउंड दी सेंट्रल मेटल। सो वी कैन से दैट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर एंक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जब मेटल जो लिगेंड से अटैच्ड है हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में एंक्लोज करते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसमें ये और इसमें ये, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो एजी है वो सराउंडेड है बाय सीएन एंड ये एंक्लोज्ड है इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सॉरी कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड होते हैं और हम इनको एक स्पेयर के अंदर एंक्लोज करते हैं, स्पेयर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनना, आपको एक बात ध्यान देनी है। तो बच्चों देखो, आपको एक बात ध्यान देनी है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो कुछ भी है वो कभी भी आयनाइज नहीं होता, लेकिन उसके बाहर कुछ भी है, एक्स वाई बाहर जो भी चीज़ है वो आयनाइज हो सकती है, वो निकल सकती है, लेकिन जो अंदर है वो कभी भी आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। जो बाहर है वो आयनाइज हो सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें अब पूरा जो भी हमने पढ़ा है, तो एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा एंड वो फॉर्मूला है, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो एंक्लोज करता है सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स को, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया एन। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम, इसको हम बोलेंगे लिगेंड, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, और इस पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब हम इसके जो बाहर लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे अगर कुछ लिखा है, तो ये जो बाहर होता है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। अब ये काउंटर आयन है जो होते हैं ये तो आयनाइज हो सकते हैं, दे कैन बी आयनाइज, लेकिन इनके अंदर जो ये सेंट्रल मेटल लिगेंड है ये कभी भी आयनाइज नहीं होते। इन शॉर्ट, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो भी मटेरियल है वो कभी भी आयनाइज नहीं होता, बाहर जो है वो आयनाइज हो सकता है। अगर इस तरफ कुछ आयन होता तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम काउंटर आयन ही कहते हैं, और ये भी आयनाइज हो सकता है। इन शॉर्ट, स्पेयर के बाहर जो भी चीज़ है वो आयनाइजेबल है, लेकिन स्पेयर के अंदर जो है वो क्या है, नॉन आयनाइजेबल। Understood student? So this is all about the terminology which are related to coordination compounds.